You're watching Priyansh AgroTech. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियांश एग्रोटेक में। जय जवान जय किसान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे टैगलाइन है फार्मर्स आर द सोल ऑफ एग्रीकल्चर। और आज हम सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। ये वीडियो आपका कैरियर बदल सकता है, ये वीडियो आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, लोग परेशान होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कृषि क्षेत्र में जॉब नहीं मिलती, एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉब्स का भंडार, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपना क्षेत्र बना सकते हैं और कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इनकी एलिजिबिलिटी और पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। अगर आप बीएससी करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल होता है कि बीएससी करने के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मैं जाऊंगा वहां, करूँ क्या? तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे पहली जॉब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी के अंतर्गत आती है वैकेंसी। तो यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली पहली वैकेंसी जो है यूनियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको आईएफएस बोला जाता है। दोस्तों, आईएफएस के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो एग्री ग्रेजुएट यानी बीएससी आपको मिनिमम होना चाहिए। इसके फॉर्म्स जो है आप वेबसाइट पर भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट जो है www.upsc.gov.in है। आप इस पर जाकर फॉर्म्स जो है वो भर सकते हैं और आप IAS लेवल का जॉब जो है वो यहां से गेन कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, दूसरा जो हमारा जॉब है वो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको ASRB कहा जाता है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट ARS के लिए ये जॉब होती है। इसके लिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको PhD करने की आवश्यकता है और इसके फॉर्म जो है www.asrb.org.in पर आप जाकर फिल कर सकते हैं। तीसरे जो जॉब है हमारे दया सुंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PHTSAU, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। इसके लिए आपको MSc AG होना पड़ेगा और साथ ही आपको NET जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसकी जो वेबसाइट लिंक है www.pjtsau.education.in पर आप जाकर जो है इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो जॉब है कोंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके लिए भी आपको MSc AG और NET क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसकी जो वेबसाइट है www.skltshu.ac.in पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो है पोस्ट निकालता है और MSc AG एक्सटेंशन पैथोलॉजी SSC माइक्रोबायोलॉजी में नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए और www.fcrts.in पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी AO और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यानी AEO के लिए वैकेंसी निकालता है। इसके लिए आपको BSc AG या एग्रीकल्चर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ में आप जो है BSc AG करके और एग्रीकल्चर डिप्लोमा करके ये जॉब्स जो है वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। www.tspsc.gov.in पर जाकर आप जो है इसके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो है तेलंगाना राज्य के स्टेट कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा निकाली जाती है, जो कि सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जॉब निकालता है। ये जो है तीन जॉब निकालता है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर यानी SCO, ऑर्गेनिक इंस्पेक्टर यानी OI, फील्ड असिस्टेंट यानी FA। इसके लिए आपको MSc AG एग्री डिप्लोमा जैसी जो चीजें हैं वो पास करनी होगी। इसकी जो वेबसाइट लिंक है आप देख पा रहे हैं, आपको जो है वेबसाइट लिंक पर जाकर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सीड ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकालती है। इसके लिए भी आपको BSc AG करना आवश्यक है।
नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है सेंट्रल सेल रिपोर्ट की वैकेंसी है, साइंटिस्ट सी ग्रेड बी ग्रेड और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी निकालते हैं। एमएससी की थी, पीएचडी और बीएससी की थी के लिए ये पोस्ट है। और आप जो है www.csb.gov.in पर जाकर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है, अगला पद जो आता है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के लिए आता है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर टीओ, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनके लिए आप एमएससी एजी एग्रो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से होना चाहिए। इसके लिए आप जो है www.ppqs.gov.in पर जाकर इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है, एनएससी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट टीए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग और सीनियर ट्रेनिंग के लिए निकालते हैं। तो आपको बीएससी एमएससी और एजी होना चाहिए। इसकी वेबसाइट जो है www.indiaseeds.com है, जहाँ पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों और अन्य जॉब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेस जो कि असिस्टेंट ग्रेड वन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजीएम टेक्निकल एजीएम जनरल, इसके लिए वैकेंसी निकालती है। तो बीएससी एजी एमएससी एजी आपको होना चाहिए, इन क्षेत्रों में आप जो है अपना भविष्य बना सकते हैं। दूसरा जो है आप जैसे कि हमारे वीडियो पर देख पा रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज जो है हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और इनके जो वेबसाइट लिंक्स हैं ये भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें बताइए कि आप इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और ये सारी वैकेंसी जो है दोस्तों बीएससी एजी छात्रों के लिए है, एमएससी एजी छात्रों के लिए है। तो इन वेबसाइट के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। इन वैकेंसीज की जानकारी जो है वो हमारे इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से हमें मिली है। तो दोस्तों आप इन वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।